ये साइकोलॉजी क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट है, वेरियस इन साइकोलॉजिकल डिफरेंस इंटेलिजेंस वाला क्वेश्चन ये। तो इसमें सेकंड हेडिंग है डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। इससे हम क्या कंप्लीट एसेस करते हैं पर्सन कैसा है। तो वे डोमेन्स कौन कौन से हैं, तो पहला तो डोमेन्स है इंटेलिजेंस। डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट में मतलब इसका कंप्लीट असेसमेंट करने के लिए एक पर्सन का वो पर्सन कैसा है, तो पहला डोमेन है इंटेलिजेंस, दूसरा एप्टीट्यूड, तीसरा इंटरेस्ट, फोर्थ पर्सनैलिटी, फिफ्थ वैल्यू। कौन कौन से डोमेन्स हैं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट के, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी एंड वैल्यू। इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी एंड वैल्यू। इंटेलिजेंस पता करते हैं कि कितना वो है कि चीज़ों को जब कोई दिक्कत आए तो अपने आप को उस तरह से चेंज कर सके। एप्टीट्यूड मतलब किस तरह का वो इंसान है कि उसे थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दे के सेट कर सके उस पर्टिकुलर सिचुएशन में या जो भी काम करता है उसके लिए। इसका इंटरेस्ट किस चीज़ों में है। पर्सनैलिटी कैसी है, क्योंकि सबकी पर्सनैलिटी अपनी अपनी अलग है और उसकी वैल्यू सिस्टम कैसा है। तो ये एट्रीब्यूट्स हैं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। तो पहला है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या पढ़ रहे हैं हम, डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। पहला इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस क्या है, ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, वर्ल्ड को समझने की कैपेसिटी एंड थिंक रैशनली, और यूज़ करना जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है उसे इफेक्टिवली यूज़ करना है। जब आप कोई व्हेन फेस्ड विद चैलेंज, कोई भी अगर दिक्कत आए तो आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं आप उसे ढंग से यूज़ कर सकें और इजिली उस चीज़ सिचुएशन को हैंडल कर सकें, तो ये वो होगी इंटेलिजेंस। ये कैपेसिटी होगी अपनी। एप्टीट्यूड रिफर करता है इंडिविजुअल्स का पोटेंशियल, किस चीज़ का पोटेंशियल, टू एक्वायरिंग स्किल्स। आप कौन कौन सी स्किल ले सकते हो, एक्वायर करते हो या किस चीज़ में आपको ट्रेन किया जा सकता है अच्छे से कि आपसे बेहतर हो सको। एप्टीट्यूड टेस्ट आर यूज टू प्रिडिक्ट, करने के लिए यूज होते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट कि व्हाट एन इंडिविजुअल विल बी एबल टू डू, इंडिविजुअल क्या कर सकता है इफ़ गिवन प्रॉपर इन्वायरमेंट और ट्रेनिंग। अगर उसे प्रॉपर इन्वायरमेंट और ट्रेनिंग दी गई तो वो क्या क्या कर सकता है, तो ये एप्टीट्यूड हो गया। एप्टीट्यूड टेस्ट से पता कर सकते हैं। इंटरेस्ट मतलब एक इंडिविजुअल का प्रेफरेंस फॉर एंगेजिंग इन वन और मोर स्पेसिफिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू अदर, मतलब कोई किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेता है, कोई खेलने में इंटरेस्ट लेता है, कोई खाना बनाने में इंटरेस्ट लेता है, कोई पढ़ने में इंटरेस्ट लेता है, तो सबका अपना अपना इंटरेस्ट है। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी रिफर करता है रिलेटिवली इंड्योरिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्सन दैट मेक हर ओन और हिम डिस्टिंक्ट, हर एक को अलग करता है, डिस्टिंक्ट करता है फ्रॉम अदर्स, मतलब एक इंसान को दूसरे इंसान से उसकी पर्सनैलिटी डिफर करती है, अलग करती है, डिफरेंट बनाती है। तो पर्सनैलिटी मतलब हर एक इंसान की अपनी खुद की अलग ही होती है। पर्सनैलिटी टेस्ट ट्राई टू एक्सेस करने की कोशिश करती है इंडिविजुअल का जो यूनिक करेक्टरिस्टिक होते हैं वो पर्सनैलिटी है, कि इंडिविजुअल डोमिनेटिव है, सबमिसिव है, आउटगोइंग है या विड्रॉन वाला मोड है, इमोशनली स्टेबल कैसा भी इंसान है, मतलब एक पर्सनैलिटी उसकी कैसी है, ये सबकी अपनी अपनी अलग ही होती है। वैल्यू, वैल्यू मतलब इंडोरिंग बिलीफ, कैसे उसकी संस्कार टाइप है, कैसा बिहेवियर करता है। ए पर्सन हैविंग ए वैल्यू सेट्स ऑफ स्टैंडर्ड फॉर गाइडिंग हिज और हर एक्शंस इन लाइफ, आल्सो फॉर जजिंग अदर। वैल्यू असेसमेंट वी ट्राई टू डिटरमाइन कि किसकी डोमिनेटिंग वैल्यू कैसी है, कोई इंसान किस तरह का है, वो उसका वैल्यू सिस्टम कैसा है। तो ये डोमेन्स ऑफ हो गए साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट के, कौन कौन से डोमेन है, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी एंड वैल्यू। इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी एंड वैल्यू। क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट।